हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है ऑन द असाइनमेंट के ऊपर, और ये असाइनमेंट में मेरा टॉपिक है टाइप टू के ऊपर। टाइप टू मतलब जहाँ पे कि अनबैलेंस टाइप है, ओके। इसका नाम है अनबैलेंस टाइप। इसके पहले मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर लिया है जिसमें कि बैलेंस टाइप था टाइप वन। ये मेरा टाइप वन अनबैलेंस टाइप कि जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा कि आइदर रो और कॉलम क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो हमें यहाँ पे एक डमी ऐड करना होगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सम। ये सम भी एग्जाम में आया हुआ है, December 7 क्वेश्चन नंबर 4B फॉर 10 मार्क्स के लिए, ओके। देखिए हम लोग सम देखते हैं क्या क्या दिया। कंपनी हैज अ वन सरप्लस ट्रक इन ईच ऑफ द सिटीज A, B, C, D, and E एंड वन डिफ्लिक्ट ट्रक इन ईच ऑफ द सिटीज सिटी 1, 2, 4, 5, 6, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इन किलोमीटर शोन, ये डेटा दिया है किलोमीटर्स में, इन अ मैट्रिक्स एज शोन। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ ट्रक फ्रॉम द सिटी, ओके, सिटी सरप्लस सिटी इन डिफ्लिक्ट सो दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इज मिनिमम, ओके। मेन मुझे क्या देखना है, क्या दिया है मिनिमम, क्या करना है, किलोमीटर दिया है मतलब मेरा टाइप क्या है, इसको मिनिमाइज करना है, क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये हो गया केस वन, मिनिमाइजेशन सम हो गया। और साथ ही साथ क्या हो गया, ये इसमें बोला है मुझे कि फाइंड करो कि कितना किलोमीटर आएगा मिनिमम, ओके। और मुझे दिया हुआ डेटा, यहाँ पे डेटा दिया, ये भी सिटी दिया है, ये भी सिटी दिया है, बोला एक सिटी में कम है, एक में ज़्यादा है। आप मुझे बताओ कि किस में से कैसा मैं अरेंज करूँ, मतलब मुझे अल्टीमेटली असाइनमेंट करा है कि ये सिटी सिटी ए और सिटी वन और 1, 2, 3 और सिटी ए बी सी डी में किस तरह से मैं उसका मैचिंग करूँगा, वो मुझे यहाँ पे सिंपल बताना है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद सम। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये अनबैलेंस टाइप है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बेसिकली मुझे यहाँ पे डमी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, एक डमी सिटी ऐड करना पड़ेगा, उसका नाम होगा डमी सिटी एफ, ओके। क्या होगा, डमी सिटी एफ। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे किस तरह से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग का समय तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन यहाँ पे A, B, C, D, E, F नाउ दिस कॉल्ड एज अ डमी, क्या बोलते इसको, डमी। नाउ देखिए यहाँ पे लिख दिया आपने ना, अभी डेटा फिल करो यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे। डमी तो क्या हो गया यहाँ पे, डमी को हमें सबको जीरो बोलने का, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ओके। नाउ डेटा फिल करो यहाँ पे 12, 10, 11, ओके कम हो गया क्या यहाँ पे, ओके ओके मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, 10 के बाद यहाँ पे 6, 6 के बाद 12, 10 के बाद यहाँ पे 11, 11 के बाद यहाँ पे 6, 6 के बाद यहाँ पे 8, ओके। ना फिर यहाँ पे कि आप भी आराम से कीजिए, मैंने गाई कर दी यहाँ पे 10, 18, 10, 14 और यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 15, 25, 3, 10, 11, ओके। हमेशा डेटा आराम से भरिए, ओके, घाई मत कीजिए एग्जाम में। ओके बट कोशिश भी करें ना यहाँ पे, देखिए 12, 10, 6, ओके। यहाँ पे मैं अगेन कर देता हूँ यहाँ पे, ओके 11 तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये 11 है नीचे का, यहाँ पे 6 है, फिर 8, फिर 10, 18, 10, 14, 12, 15, 25, 3, 10, 11, 22, 15, 8, 13, 7,
एटीन सिक्सटीन फाइव थर्टीन थर्टीन एट ट्वेल्व नाइन ट्वेल्व टेन ओके भर दिया। नाउ ये रो वन रो टू रो थ्री रो फोर रो फाइव रो सिक्स ओके, ये सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये सब में आपको कॉलम ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कॉलम में डमी ऐड हुआ है ओके। कॉलम में मतलब यहाँ पे देखिए रो में क्या हुआ है डमी ऐड हो गया, मतलब हर एक कॉलम में क्या हो गया, हर एक सी वन में सी टू में सी थ्री में सी फोर में सी फाइव में सी सिक्स में हर एक में एक जीरो आ गया। यहाँ पे आपको कॉलम ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर ये उल्टा होता लाइक यहाँ पे कितना होता था, यहाँ पे छः होता था, यहाँ पे एफ होता था और यहाँ पे अप टू फाइव होता था, तो आपको डमी ऐड करना पड़ता था। लाइक सिक्स को यहाँ पे डमी बनाते थे, सिक्स को आपको डमी ऐड करते थे और यहाँ पे जीरो 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 पुट करते थे, तो वो केस में आपको रो ऑपरेशन नहीं करना पड़ता था, डायरेक्टली आपको जाना पड़ता था कॉलम ऑपरेशन में ओके। बी केयरफुल ना, बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो देखिए अभी हम लोग करेंगे इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें हमने ऐड कर दिया, हम लोगों ने क्या बना दिया इसको m इक्वल टू n मैट्रिक्स बना दिया, क्या बना दिया हम लोगों ने इसको m इंटू n मैट्रिक्स बना दिया। नाउ m इंटू n मैट्रिक्स बनने के बाद अब मैं इस पर क्या करूँगा कॉलम ऑपरेशन, क्या कर रहा हूँ मैं कॉलम सॉरी रो ऑपरेशन ओके। रो ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन ओके। देखिए रो ऑपरेशन में क्या होगा ओके, अभी इसके सामने सामने करता हूँ मैं ओके। देखिए क्या होगा रो ऑपरेशन में, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ गया यहाँ पे। नो रो ऑपरेशन करना है यहाँ पे, सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सा है यहाँ पे इसका, सबसे लिस्ट वैल्यू 12, 10, 15, 22, 18, 8, सबसे छोटा वैल्यू 8, यहाँ पे सबको माइनस करूँगा तो ये होगा 12 माइनस 8 4, 10 माइनस 8 क्या होगा 10 माइनस 8 2, देन 15 माइनस 8 क्या होगा 7, 22 माइनस 8 ये होगा 14, 18 माइनस 8 ये होगा 10 और 8 माइनस 8 जीरो ओके। नेक्स्ट है मेरा ये आर टू, आर टू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 10, 18, 25, 15, 16, 12, अमाउंग दिस 10 इज द लोएस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा देखिए 10 से 10 को माइनस किया तो जीरो, देन 18 माइनस 10 8, 25 माइनस 10 कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 15, देन 15 माइनस 10 फाइव, 16 माइनस 10 सिक्स, 12 माइनस 10 टू, नाउ यहाँ पे क्या 11 ओके, लिख लिया मैंने गलती कर दी, तो यहाँ पे 11 है ये, तो 11, 10, 3, 8, 5, 9 छोटी वाली कौन सी है 3, यहाँ पे आएगा 11 माइनस 3 यहाँ पे आएगा 8, 10 माइनस 3 7, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 3 6, नाउ 6 14, 10, 13, 13, 12 सबसे छोटी वाली कौन सी है 6, तो यहाँ पे आएगा 0, 14 माइनस 6 क्या आएगा 8, देन यहाँ पे 4, यहाँ पे आगे 7, आगे 7, देन यहाँ पे 6। सिमिलरली यहाँ पे सबसे छोटी वाली कौन सी है 8, 12, 11, 7, 13, 10 में से सबसे छोटी वाली है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 7 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 9 ये हो गया, बाकी रो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 चेक कर लीजिए एक बार हर एक रो हर एक कॉलम में 0 है कि नहीं, कॉलम में तो 0 है रो में भी अभी 0 आ गया है। नाउ डू द असाइनमेंट, क्या करो डू द असाइनमेंट, नाउ असाइनमेंट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट रो में एक ही 0 आया तो यहाँ पे जाऊँगा मैं इसको असाइन करूँगा, ये हो गया मेरा 1 असाइनमेंट 1, और ये रो में मिला तो यहाँ पे कॉलम कट हो गया। क्यों कट होता है बिकॉज मैंने आपको सिखा है लेक्चर 1 में मेरे, जो लोग नए हैं इस वीडियो के लिए आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए अच्छे से, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इस पर भी अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। हमने क्या डिसाइड किया, ए को डिसाइड किया, ए के लिए हमने बोला कि ये 6 वाला आ गया परफेक्ट बैठ रहा है, तो परफेक्ट ये बैठ रहा है 6 वाला, तो बाकी लोग के लिए 6 खाली नहीं ना, ए को चला गया तो क्या करने का उसको कट कर देने का, ए के लिए 6 चला गया मतलब अभी 6 किसके लिए अवेलेबल नहीं है। हंगेरियन मेथड क्या बोलता है,
एक बंदा एक ही जॉब कर सकता है, मतलब ए वाला किधर एक ही को ले सकता है, मतलब और ये सिटी किसी एक सिटी को ले सकता है, मतलब ए वन को जाएगा तो वो टू को नहीं जाएगा, अगर ए टू को गया तो वन को नहीं जाएगा, मतलब किसी एक को ही जाएगा, मतलब 1:1 रेशियो है। ओके, मतलब एक बंदा 10 लोगों को नहीं काम नहीं कर सकता, एक बंदा एक ही का काम कर सकता है। ओके क्लियर। तो मैंने रो देखा, कॉलम कट किया। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे इसको भी असाइन करूँगा। नाउ देखिए, यहाँ पे एक सिंगल जीरो है, बॉक्स बनाया, रो देखा, कॉलम कट कर दिया, जितने जीरो सब कट कर दो। कट पेंसिल से करने का ये एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट R3, ये एक जीरो सिंगल जीरो दिखा, असाइन करो। नाउ रो दिखा, कॉलम कट कर दो, कॉलम कट, ये जीरो भी कट। ओके, जो मैंने ये ऑरेंज पेंट यूज कर रहा उसको आपको यूज करना है पेंसिल। नाउ यहाँ पे कुछ एक जीरो नहीं है, यहाँ पे है ये एक सिंगल जीरो है, असाइन करो, नंबर 4 दो, ये देखा आपने, इसको पूरा आपने कट कर दिया, ये पूरा कॉलम कट, ये जीरो भी कट, कॉलम के अंदर जीरो है, कट करके कट किया। नेक्स्ट कितना यहाँ पे जीरो है, 1 2 3 नहीं चलेगा, C1 तो कट हो गया, C2 एक जीरो है, आओ यहाँ पे नंबर 5 दो, असाइनमेंट नंबर 5, और ये कट कर दो, तो ये पूरा रो भी कट हो गया। अभी अभी आपने कॉलम देखा तो रो कट हो गया, अभी कहाँ पे जीरो बचा है क्या नहीं बचा है, तो कितना आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ असाइनमेंट एन इज इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स स्मॉल एन इज इक्वल टू 6, क्या हो गया यहाँ पे, एन इज लेस देन एन, हेंस ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज नॉट रीच, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पे मैं करूँगा मॉडिफाई मैट्रिक्स, क्या करूँगा यहाँ पे मैं, मॉडिफाई मैट्रिक्स, सो आई विल गो फॉर द मॉडिफाइड मैट्रिक्स। ओके, आई विल गो फॉर द मॉडिफाइड मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ओके ओके, मॉडिफाइड मैट्रिक्स, ओके, स्पेलिंग रॉन्ग था यहाँ पे। तो लाइक अगेन सेम बनाओ बॉक्स फटाफट, यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ मैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके बना दिया हमने यहाँ पे। ना ये बनने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये बनने के बाद देखिए, ये बनने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई मैट्रिक्स करना है। मॉडिफाई मैट्रिक्स किस तरह से करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे। मॉडिफाई मैट्रिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसमें सबसे पहले लीस्ट अनकवर्ड वैल्यू ढूंढना है। क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, लीस्ट अनकवर्ड वैल्यू ढूंढो। तो देखिए लीस्ट अनकवर्ड, ये कॉलम कट हो गया, इसमें कुछ काम नहीं है, ये 2 8 7 8 5, ये क्या है, लीस्ट वैल्यूज है, 2 8 7 8 5, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, अभी 1 2 दिख रहा हूँ, ये भी कट है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 10 6 2 7 6, ओके क्या दिखा मुझे, ये और इसमें दो जो है वैल्यू 2 इज द लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू। ओके क्या मिला, लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू मिला। नाउ ये मिलने के बाद, लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद, उस लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू से बाकी सब अनकवर्ड वैल्यू को माइनस करने का, क्या करने का, माइनस। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, 2, तो 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 2 5, ओके 2 5, नाउ 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 2 3, आ गए यहाँ पे। नाउ ये तो पूरा कट है, ये यहाँ पे, ये यहाँ भी कट है, यहाँ पे ये 10 माइनस 2, ओके यहाँ पे 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 2 4। नाउ ये होने के बाद लीस्ट अनकवर्ड वैल्यू को ऐड भी करना है, कहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द असाइनमेंट, ड्यूरिंग द असाइनमेंट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है रो और कॉलम के लिए। देखिए ये एक वैल्यू, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, ओके 1 2 3 4 पॉइंट, 4 पॉइंट पे लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू ऐड होगी। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, ओके नाउ, और बाकी सभी जितने भी क्या थे अनकवर्ड वैल्यू, सॉरी ये कवर्ड वैल्यू, जितने भी थे कवर्ड वैल्यू उसको लिखना है आपको एज इट इज, क्या करना है, जितने भी थे कवर्ड वैल्यूज उसको लिखना है एज इट इज। ओके नाउ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कवर्ड वैल्यू को अलग पेन से, 4 0 8 0 1, यहाँ पे 0 7 15 0 4 4, यहाँ पे 10 6 5 6,
सॉरी 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 14 है यहाँ पे, ओके यहाँ पे मिस्टेक होती है बार बार, 10 5। सब प्रैक्टिस लगेगा आपको, ध्यान से कीजिए आराम से। बाद में ये तो यहाँ पे हो गया, देन यहाँ पे 0, कि ये भी 0 है, 0 2 6 6 3, ओके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 7 15 0 4 4 2, यहाँ मिस्टेक और था मेरा, 14 5 5 7 0, 14 5 5 7 0, ओके आगे आपको यहाँ पे ना। ये होने के बाद अभी क्या करना है आपको, हर एक कॉलम में चेक करना कैसे देखिए अगर मिस्टेक किया कि नहीं, तो हर एक रो में हर एक कॉलम में क्या चाहिए, 0 चाहिए। यहाँ पे देखिए रो में 0 है, ऐसा है एक, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, कॉलम में यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 0 है, यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 0, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी 1 0, ओके एटलीस्ट 1 0, सिंगल 0 नहीं है, मतलब नंबर 0 चलते हैं बट एटलीस्ट 1 0 तो चाहिए, ओके असाइनमेंट करने के लिए। मॉडिफाइड मैट्रिक्स के बाद आना ही चाहिए 0, आता ही अगर नहीं आया तो समझो आपने कहाँ पे तो गलत किया, मतलब आप सम रॉन्ग वे से कर रहे हो। नाउ अभी करो असाइनमेंट आगे, कितना वैल्यू यहाँ पे 2 है, 0 नहीं चलेगा, यहाँ पे कितना सिंगल 0 है, सिंगल 0 असाइंड हो गया, तो ये 1, यहाँ पे कितना है तो कॉलम कट कर दो, कॉलम कट ना, यहाँ पे कितना है 2 छोड़ो कि ये 0 यहाँ पे कट, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 आया, ये कॉलम कट, यहाँ पे कितना 0 है 2 0 छोड़ दो, ये कॉलम कट हो गया काम का नहीं, ये कॉलम में कितना 0 है C2 में 2 0 छोड़ो, इसमें कितना 0 है 3 0, इसको असाइन करो, सॉरी 1 0 असाइन करो C3 में, इसको नंबर दो 3, अपने कॉलम देखा अभी रो कट कर दो, कट हो गया 0 कट कर दो, ये कॉलम कट हो गया, यहाँ पे कितना 0 है सिंगल 0 है 4, इसको असाइन करो, बाद में रो अपने कॉलम देखा तो रो कट, ये कट, ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आओगे, ये यहाँ पे 5 दोगे, ये यहाँ पे 0 असाइन, रो अपने कॉलम देखा रो कट, ओके सब के सब 0 थे आपके कट हो गए, ओके अल्टीमेटली क्या मिला आपको, आपको यहाँ पे मिला नंबर ऑफ असाइनमेंट आया आपको n इज इक्वल टू 5, कितना है n इज इक्वल टू 5 आया आपका मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर स्मॉल n इज इक्वल टू 6, n इज लेस देन स्मॉल n, हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन नॉट रीच्ड। नाउ अगेन डू द मॉडिफाई मैट्रिक्स, अगेन यहाँ पे क्या करोगे मॉडिफाई मैट्रिक्स करोगे, तो देखिए हम लोग अगेन यहाँ पे करेंगे मॉडिफाई मैट्रिक्स, ओके तो यहाँ पे आएगा मॉडिफाइड मैट्रिक्स 1 2 3 4 5, ओके 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6। नाउ अगेन फाइंड करो सबसे लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू, सबसे लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू कौन सी, यहाँ पे सबसे लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू देखिए 6 6 3 7 15 4 4 8 4 5 4, क्या है 3, 3 इज माय लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू, क्या दिखा आपने मुझे 3 जो है वो क्या है मेरा लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू दिख रहा है मुझे फिलहाल तो, और किधर कुछ दिख रहा है क्या मुझे अनकवर्ड वैल्यू, हाँ यस लुक एट दिस, यहाँ पे छुपा था, ओके तो घाई नहीं करने का, आराम से देखना, कि इसलिए बोलता हूँ पेंसिल से करने का एग्जाम में, ओके इसलिए मैं अलग स्केच पेन यूज कर रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 छुपा था, यहाँ पे 2 इज द लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू, क्या है 2 इज द लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दो, ये हो गया इटसेल्फ माइनस करूंगा तो 0। नाउ क्या करना है अभी आपको, सेम प्रीवियस प्रोसेस की तरह जितने भी अनकवर्ड वैल्यू है उसमें से इस लिस्ट अनकवर्ड वैल्यू को माइनस करो। तो देखिए यहाँ पे ये तो पूरा कॉलम एज इट इज है, कुछ नहीं कर रहा है आपको यहाँ पे, फिर ये कॉलम 2 में यहाँ पे आएगा 6 माइनस 2 4, यहाँ पे 6 माइनस 2 अगेन 4, 3 माइनस 2 1। नाउ यहाँ पे ये तो कवर्ड है 15 है, यहाँ पे अनकवर्ड, यहाँ पे आएगा 15 माइनस 2 13, देन यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 2 4 माइनस 2 2, देन यहाँ पे पूरा कॉलम कट है, देन यहाँ पे ये आएगा कॉलम नंबर 5 में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 तो कवर है,
फोर अनकवर्ड है तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 2, देन यहाँ पे ये 5 अनकवर्ड है तो 5 माइनस 2 3, देन 4 माइनस 2 2, फिर यहाँ पे ये तो यहाँ पे 0 कर दिया। नेक्स्ट 6 भी कवर्ड है, 6 माइनस 2 अनकवर्ड वैल्यू दैट इज 4, 3 माइनस 2 1। ओके इतने वैल्यू क्या थे आपके, ये थे आपके अनकवर्ड। नाउ आपको ऐड करना है कहाँ पे, एट द इंटरसेक्शन। कहाँ पे, एट द इंटरसेक्शन पे आपको ऐड करना है। नाउ देखिए मैं यूज करता हूँ रेड पेन फॉर द इंटरसेक्शन के लिए। देखिए ये रहा एक इंटरसेक्शन, वहाँ पे ऐड होगा 4 प्लस 2 दैट इज 6। ये रहा इंटरसेक्शन, यहाँ पे ऐड होगा 8 प्लस 2 दैट इज 10। ओके नाउ यहाँ पे आपको हो गया 10। नाउ इसके बाद ये इंटरसेक्शन था, ये भी इंटरसेक्शन। देन यहाँ पे इंटरसेक्शन एक 2, यहाँ पे हो गया 4, और कहाँ पे है इंटरसेक्शन, ये रहा इंटरसेक्शन यहाँ पे, तो ये कॉलम 1 2 3 4। ओके 1 2 3 4 यहाँ पे होगा 16। देन यहाँ पे इंटरसेक्शन है दैट इज 3 पे, दैट इज 5 प्लस 2 दैट इज 7। देन यहाँ पे नीचे भी इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4। देन यहाँ पे एक इंटरसेक्शन कहाँ पे है और कहाँ पे इंटरसेक्शन है, नहीं खत्म, इतने इंटरसेक्शन हो गए, जितने रेड मार्क किए हैं उतने ही इंटरसेक्शन है, और बाकी जो वैल्यू है उसको मैं अलग स्केच पेन यूज कर रहा हूँ, उससे आप लोग फिल कर दो। ओके देखिए ओके रहेंगे कवर्ड वैल्यू। देखिए कवर्ड वैल्यू 0 7 8 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 13 प्लस, ये यहाँ पे ये कवर्ड वैल्यू है, ये 5, यहाँ पे 5 0 0 6, यहाँ पे 0 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 था, ये 0 है और ये यहाँ पे 2 है। ओके ठीक है, यहाँ पे ये कवर्ड था, ये 0 और ये भी कवर्ड है, ये भी 0। ओके नाउ ये मैं जो ब्लू कलर यूज किया उसके लिए, कवर्ड वैल्यू के लिए। नाउ डू द असाइनमेंट, असाइनमेंट करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। तो देखिए अगेन चेक कर लो एक बार कि जो मैंने किया बराबर है कि नहीं। रो 1 में 0 है ऐसा है, रो 2 में है, रो 3 में भी है, रो 4 में है, रो 5 में है, रो 6 में भी है, कॉलम में है क्या, कॉलम में भी है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में, सब में। नाउ वी गो फॉर द असाइनमेंट। सो देखिए यहाँ पे रो 1 में कितने 0 है, यहाँ पे रो 1 में 2 0 है तो नहीं चलेगा, रो 2 में 2 0 है नहीं चलेगा, रो 3 में कितने 0 है, रो 3 में भी अगेन यहाँ पे आगे 2 0 नहीं चलेंगे, तो रो 4 में कितना 0 है, 1 0, तो यहाँ पे इसको असाइन करूँगा, ये होगा 1 असाइनमेंट, और ये पूरा कॉलम जो है कॉलम 1 कट हो जाएगा और उसके 0 भी कट हो जाएंगे। नाउ रो 5 में 1 0 है तो असाइनमेंट करूँगा इसको, ये होगा 2, ये पूरा कॉलम कट। रो 3 में कितने 0 है, 2 नहीं चलेंगे, कॉलम 1 कट है, कॉलम 2 में 2 0 है नहीं चलेंगे, कॉलम 3 में 1 0 है, इसको असाइनमेंट नंबर 3, और यहाँ पे इसको बॉक्स बनाएंगे और ये रो कट। नाउ सी 4 में क्या है, कट है यहाँ पे, सी 5 1 0 है चलेगा, यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगा, ये 4 आएगा, इसका रिस्पेक्टिव रो कट, उसके 0 भी कट। नाउ रो यहाँ पे जो है कॉलम 6 में 1 0 है, सॉरी कॉलम 6 में कितने 0 है, 2 0 है, यहाँ पे ये नहीं चलेंगे। ओके नाउ उसके बाद अब मैं कहाँ जाऊँगा, रो 1 पे गया, रो 1 में कितने 0 है, 2 0 नहीं चलेंगे। नाउ रो 1 में जाने के बाद 2 0 है, अभी मैं यहाँ पे कहाँ पे आ रहा हूँ, रो 1 के बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे रो 2 में आ रहा हूँ, और रो 2 में ओके देखिए यहाँ पे रो 2 में मुझे मिल रहा है यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे मेरे पास है रो 2 में है एक ही 0 है, तो उसको मैं असाइन करूँगा, तो ये हो गया 5 नंबर। ओके क्या हो गया, ये 5 नंबर।
ठीक, इसको असाइन किया तो इसका रिस्पेक्टिव जो है, इसका इसका रिस्पेक्टिव कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कट हो गया, यहाँ पे ये जीरो भी कट हो गया। नाउ ये होने के बाद कहाँ पे आऊँगा, ये देखिए यहाँ पे आऊँगा रो थ्री में, यहाँ पे कुछ नहीं है। रो फोर असाइन हो गया, रो फाइव असाइन हो गया, रो सिक्स कट हो गया, सी वन कट हो गया। नाउ ये सी टू, सी टू में एक जीरो है तो इसको मैं असाइन करूँगा, तो ये होगा नंबर सिक्स। इसको असाइन किया तो इसका रिस्पेक्टिव रो कट हो गया। क्या हो गया, इसका रिस्पेक्टिव रो कट हो गया। यहाँ पे क्या आया, नंबर ऑफ असाइनमेंट एन इज इक्वल टू सिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, सिक्स। हेंस हेंस ऑप्टिमल, हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज, हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज रीच्ड। ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने के बाद मैं यहाँ पे सिटी और क्या करूँगा, कितने नंबर ऑफ सिटी है और कितने नंबर ऑफ सिटी, यहाँ पे देखिए क्या है मेरा जो मेन सम था, यहाँ पे जो मेन सम था क्या था, यहाँ पे सिटीज और उसके ट्रक्स। ओके, सिटी ए बी सी डी, ओके, और सिटी 1 2 3 4। ओके, वहाँ पे करूँगा मैं इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा है मैंने सिटी ए बी सी डी ई एफ। ओके, एफ मतलब डमी है, सिटी यहाँ पे देखिए कैसे असाइनमेंट करता हूँ मैं इसका, यहाँ पे आप देखिए। नाउ यहाँ पे ए है, ए किसको गया, ए गया है मेरा, ए मेरा गया है असाइन हुआ है किसको, ये नंबर को असाइन हुआ है। ओके, मतलब ये क्या है वन, सॉरी सॉरी, ये क्या है टू, ये असाइन हुआ है सिटी टू को। कहाँ पे असाइन हुआ है, सिटी टू को। नाउ जो बी है किसको असाइन हुआ है, असाइन हुआ है वो सिटी सिक्स को। बी असाइन हुआ है सिटी सिक्स को, किसको असाइन हुआ है, सिटी सिक्स को असाइन हुआ है। ओके, सिटी सिक्स। नाउ सी किसको असाइन हुआ है, सी असाइन हुआ है सिटी थ्री को, सी असाइन हुआ है सिटी थ्री को। डी असाइन हुआ है मेरा सिटी वन को। ई असाइन हुआ है मेरा सिटी 1 2 3 4 को। ओके, एफ असाइन हुआ है मेरा किसको, सिटी फाइव को। ओके, ये 2 6 3 1 4 5। ओके, डमी किसको गया, फाइव को गया, मतलब सिटी फाइव में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, कोई नहीं जाने वाला है वहाँ पे। ओके, समझा आपको यहाँ पे ये। ना अभी मुझे क्या करना है, उसके रिस्पेक्टिव जो है, उसके रिस्पेक्टिव मुझे यहाँ पे उसका ये निकालना है। ओके, ना सिटी के रिस्पेक्टिव मुझे यहाँ पे उसका किलोमीटर निकालना है कि कितना किलोमीटर यहाँ पे आ रहा है। ओके, ना देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पे किलोमीटर, तो उसका रिस्पेक्टिव किलोमीटर के लिए देखिए यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें ए का जो कितना किलोमीटर लग रहा है, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड यहाँ पे लगता है मुझे, अलग यूज करता हूँ स्केच पेन, ए का सेकेंड लगता है मुझे 10, बी का 6, बी का 6 कितना लगता है 12, देन सी का 3, सी का 3 लगता है 3, डी का 1 कितना 6, ई का, ओके नाउ ये हो गया ई का 4, ई का 4 कितना गया 7, और एफ का जो डमी है ये आ गया 0, एडिशन कितना आ रहा है यहाँ पे, एडिशन करोगे तो 38 किलोमीटर आता है। तो ये रहा मेरा आंसर, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 38 किलोमीटर। ओके, ये रहा ऑल अबाउट द सम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।